मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने असंसदीय शब्द एवं वाक्यांश संग्रह पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ, संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा, पूर्व मंत्री गोविंद सिंह और विधानसभा सचिव एपी सिंह मौजूद रहे। अब ये सदन में पप्पू, फेकू, तड़ीपार, चोर, बंटाधार सहित ऐसे कई शब्दों का उपयोग अब सदस्यगण नहीं कर पाएंगे। सत्र के सुचारू रूप से संचालन के लिए विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। मध्य प्रदेश विधानसभा में 12 अगस्त तक चलने वाले मानसून सत्र के सुचारू रूप से संचालन के लिए विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस दौरान विधानसभा सचिवालय द्वारा सदस्यों के उपयोग में न किए जाने वाले तैयार किए गए असंसदीय शब्दों और वाक्यांश संग्रह पुस्तिका का विमोचन भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष का यह सराहनीय कार्य है। उन्होंने कहा कि उन्हें भी कई शब्दों के बारे में पता नहीं था। कई बार विधायक ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं जो असंसदीय और अशोभनीय होते हैं, जिन्हें नहीं बोलना चाहिए। ऐसे शब्दों को इसमें सम्मिलित किया गया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने भी विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के प्रयासों की सराहना की। कमलनाथ ने कहा कि हमारे देश में विभिन्नता है, हमारी एक संस्कृति रही है। विधानसभा और संसद दोनों जगह देश के जनप्रतिनिधि रहते हैं। अशोभनीय भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए और यहीं से हमारे विचार देश की जनता तक पहुंचते हैं। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने विधानसभा अध्यक्ष के इन प्रयासों को सराहनीय कदम बताया और कहा कि इसको पहले ही ला देना चाहिए था। विधानसभा की कार्यवाही देखने पहले से उन्होंने मुझसे भी मिलने की इच्छा प्रकट की थी। विधानसभा की कार्यवाही के बाद मैंने उन्हें कक्ष में मिलने का आग्रह किया। जब वो मुझसे मिलने आए तो मैंने उनसे पूछा कैसी लगी विधानसभा। उसमें से एक विद्यार्थी ने मुझे उत्तर दिया, हम तो सोच के आए थे कि कुछ सीख के जाएंगे, अच्छी बहस होगी, लेकिन यहाँ तो ऐसा लगा मामा जैसे मच्छी बता। ये उसके सब देखे, मैं माफी चाहूंगा अगर सबका चयन गलत हो गया हो, लेकिन कई बार हम जिन शब्दों का चयन कर जाते हैं उससे देखने वाला निर्मल मन भी कई बार निराश हुआ। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी ने बिल्कुल सही कहा, विधानसभा या लोकसभा ये लोकतंत्र के पवित्र मंदिर है। ईंट और गारों के ईंट और गारी के ऊपर ही एक है। उसके यहां प्रतिपक्ष को सत्ता पक्ष अपनी बात रखने का हक है। तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ, जोर देते वजनदारी के साथ तीखे और मारक हमले हो सकते हैं। और हम लोगों ने देखा, मैं लोकसभा में पहुंचा 91 उस समय का जो बहस का स्तर था, कई बार संसद में इतने उन्मत्त विद्वान होते हैं बहस करने वाले, कई बार एक चेहरा एक नाम का इंद्रजीत गुप्त को समझते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान विश्व को समर्पित किया तो देश को क्यों नहीं विश्व को समर्पित किया था। उस समय बाबा साहब और हमारे स्वतंत्र संग्राम सेनानी ने क्या स्वप्न थे कि भारत में एक ऐसा प्रजातंत्र कायम है और विश्व में ही उदाहरण है। विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र के स्तंभ हमारा सांसद हुआ, हमारी विधानसभा हुआ, और विश्व में भारत की महानता उसके प्रजातंत्र से गिनी जाती है। और प्रजातंत्र की नींव आज हमारा संसद और हमारी विधानसभा
संसद की गैलरी में खड़े हो जाइए या विधानसभा की गैलरी में खड़े हो जाइए, जो आप नीचे देखेंगे, जो सदस्य देखेंगे, विश्व के कोई संसद या उनके विधानसभा में कहते हैं, जो आप मिक्सचर देखेंगे नहीं मिलेगा। हर धर्म के, हर जाति के, हर वर्ग के, और यही अनेकता है, यही विभिन्नता है जो हमारे प्रजातंत्र की एक बहुत बड़ी है। इस विभिन्नता जो एक झंडे के नीचे खड़ी है, ऐसा कोई देश है जहां इतनी जात है, भाषा है, इतने रसम। हम तो यहां से दर्शन जाते हैं, मोती पजामा में लुंगी बन जाती है। ये विभिन्नता ही हमारे देश की संस्कृति है। और हर संसद और विधानसभा का कर्तव्य बनता है, अभी कहता हूँ धर्म बनता है, कि हमारे देश की संस्कृति बनी है। ये हमारा कार्य प्रजातंत्र का मंदिर है, और मंदिर में असंती सब हमारे माननीय विधायकों को बोलना उचित नहीं माना जा सकता। 1990 में जब मैं पहली बार विधायक बन कर आया था, उस समय सदन की मर्यादा थी, एक विषय पर बिंदु पर बहस होती थी, कानून कायदे लेके आते थे हमारे माननीय विधायक। मैंने एक विषय का देखा, जगदम्बा प्रसाद जी हमारे साथ जनता दल के विधायक थे, एक मसले पर छतरपुर का था, एक घंटे उन्होंने सदन रोका और तर्क के साथ कौल और सकधन की पुस्तक को उदाहरण दिए। उस समय लगता था कि विधानसभा वास्तव में प्रदेश के गंभीर आम जनता की समस्याओं के लिए सदन है और उसकी महत्वता है, लेकिन आज वास्तव में धीरे धीरे वो गर्मा कर रही है। मनमानी तरीके से बोलना, एक दूसरे पर आक्षेप लगाना, नियम विपरीत बोलना, इसके लिए माननीय अध्यक्ष जी ने बड़ा मेहनत करके बहुत संक्षिप्त अपने कार्यकाल में ये प्रयास किया, उसकी सराहना की जाती है। मैं उनकी इस कार्य के लिए बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ। सदस्य संसद में पप्पू, फेकू, तड़ीपार, चोर, बंटाधार सहित ऐसे कई शब्दों का उपयोग नहीं कर सकेंगे। सूची में असंसदीय शब्दों और वाक्यांशों का संख्या लगभग 1560 है। 40 पेज की पुस्तिका में इन्हें शामिल किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने असंसदीय शब्दों को लेकर कहा कि ये ऐसे शब्द और वाक्यांश हैं जिन्हें पहली विधानसभा से लेकर पिछले विधानसभा सत्र तक कार्रवाई के दौरान विलोपित कराया गया है। शब्दों को लेकर गिरीश गौतम ने कहा कि विधायकों को इसका पालन करना जरूरी है। उन्होंने कहा, हमें ऐसे शब्दों का उपयोग करना चाहिए जो खुद को भी अच्छे लगे। विधायक अगर इसका पालन नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए विधायकों का प्रशिक्षण शिविर भी लगाया जाएगा। कोरोना संकट को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिया गया है कि सचिवालय परिसर में सामूहिक रूप से एकत्र ना हो, मास्क लगाकर ही परिसर में प्रवेश करें। कोविड-19 से बचाव हेतु प्रवेश पूर्व टीकाकरण भी अनिवार्य रहेगा। इसमें खास ये है कि विधानसभा में कई बार, मैंने जैसे वहाँ भी कहा है, विधायक आवेश में, आक्रोश में, कई बार तो जानबूझ कर भी ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जो समाज में अमर्यादित होते हैं, जिसको विधानसभा या सदन के भीतर आकर के उसको हम असंसदीय कहते हैं। तो उन्हीं असंसदीय शब्दों का अपनी तरफ से किसी शब्द को मैंने नहीं जोड़ा। उसमें 1954 से लेकर के अभी तक जिन शब्दों को असंसदीय मानते हुए माननीय पीठासीन अधिकारियों ने उनको विलोपन का आदेश किया, उन्हीं का संकलन कराया। विंध्य प्रदेश में भी था, 1954 जोड़ा, 56 में मध्य प्रदेश बनी। नागपुर विधानसभा का था, 54 से हमने शुरू किया और उसको निकाल करके बाहर लाए। करीब 1500 ऐसे वाक्यांश निकले जिनको पीठासीन अधिकारियों ने विलोपित किया था, पहले उन्हीं में से शब्दों को निकाला। तो पहले वो पुस्तक बनी, उसके बाद से उन्हीं से शब्दों को निकाल करके अलग से कराया, जो पब्लिक डोमिनियन में आपको मिलेगा। विधानसभा की जब कार्रवाई चलती है तो माननीय सदस्य जनहित के विषय उठाते हैं, विभिन्न जो चर्चाएँ होती हैं, चाहे बजट पर चर्चा हो, चाहे जनहित के विषय पर चर्चा हो, उनमें भाग लेते हैं।
उस चर्चा में भाग लेते वक्त कई बार उत्तेजना में, कई बार जाने अनजाने में ऐसे शब्दों का उपयोग हो जाता है जो सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं होते, तो ऐसे शब्दों को आसंदी या अध्यक्ष के निर्देश से विधानसभा की कार्यवाही से हम विलोपित कर देते हैं। तो उनका संकलन हमने सारी कार्यवाहियों को देखा है, कुछ तो हमारे पास बिंदु और उसकी कार्रवाइयाँ उपलब्ध थी, हमने उससे भी शब्द ले लिए हैं, और बाकी 1956 से अभी तक की जो कार्रवाइयाँ थी पूर्व में भी हमने कुछ संकलन किया था, उसको हमने अद्यतन किया है, और सभी कार्रवाई में जो हमारे प्रतिवेदक जिन्होंने विलोपित किए थे उनसे हमने पूरी निकलवाई, और उनमें जो विलोपित हुए शब्द थे उनको हमने निकाला और उनका फिर संकलन तैयार किया गया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने असंसदीय शब्दों को लेकर कहा कि निश्चित तौर पर विधायकों को इस तरह के शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए और हम सब इसका पालन करेंगे। हमारे साथ चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, असंसदीय शब्दों को लेकर निश्चित रूप से अध्यक्ष जी की एक सकारात्मक पहल है, विधानसभा मध्य प्रदेश की जो गौरवशाली परंपरा है वो और मजबूत होगी, और मुझे लगता है कि जो समाज में अमर्यादित है वो निश्चित रूप से सदन में भी नहीं बोला जाना चाहिए। क्या जो सब सदन में नहीं बोले जाने चाहिए वो जो भाषण होते हैं, जो स्पीचेस वगैरह, ये तो विधानसभा की जो अमर्यादित शब्द है वो संसदीय भाषा है ना, संसदीय भाषी का प्रयोग होना चाहिए। विधायक इसका पालन करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी का साफ कहना है कि जो विधायक है उनको पालन करना पड़ेगा, जो संसदीय शब्द हैं उनका उपयोग वर्जित रहेगा। कैमरामैन तरुण यादव के साथ सत्यम शर्मा, दखल न्यूज भोपाल। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।